नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यूपी में चुनावी हलचल तेज होते ही अवैध शराब माफिया सक्रिय हो चले हैं। जहां हरियाणा से यूपी लाई जा रही 15 लाख रुपए कीमत की अंग्रेजी शराब को मूसानगर कोतवाली के तेज तर्रार ईमानदार छवि के एसओ दीपक सिंह ने मुखबिर की सूचना पर एक पिकअप को कब्जे में लिया। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि पिकअप में हरियाणा से यूपी अंग्रेजी शराब की अवैध तस्करी हो रही है, जहां पुलिस ने आनन फानन में घेराबंदी कर पिकअप यूपी 19T0492 को कब्जे में लेते हुए तलाशी ली, जहां 750 ml की 336 बोतल, 180 ml की 87 पेटी अवैध शराब को पुलिस ने कब्जे में लेकर आबकारी विभाग को सूचना दी, जहां आबकारी विभाग के अधिकारियों समेत क्षेत्राधिकारी भोगरीपुर प्रभात कुमार ने मौके पर पहुंचकर पिकअप का निरीक्षण करते हुए अवैध शराब तस्करों से पूछताछ की, जहां पता चला कि दोनों पर कई मुकदमे अलग अलग शहरों में दर्ज हैं, जहां पुलिस ने पूछताछ कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। शराब के निर्माण और उसके अवैध परिवहन के विरुद्ध जनपद पुलिस का अभियान लगातार जारी है और इसी अभियान के तहत मूसानगर की पुलिस टीम ने एसटीएफ के इनपुट के आधार पर दो अभियुक्तों को पकड़ा, जो एक पिकअप में भारी मात्रा में शराब का परिवहन कर रहे थे। इन दोनों अभियुक्तों के पास से जो बरामद शराब है उसमें 750 ml की 336 बोतलें और 180 ml की 87 पेटियां, यानी कि लगभग 4000 से अधिक बोतलें उसमें मौजूद थी। तो यह एक भारी बरामदगी है। दोनों अभियुक्त पकड़े गए हैं, उनका आपराधिक इतिहास भी है, पूर्व में भी ये शराब तस्करी में और अन्य अपराधों में जेल गए हैं। इस कार्य के बाद, इस दोनों को पकड़ने के बाद अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचना प्रचलित है। आगे विवेचना के क्रम में और इनसे जानकारी प्राप्त की जाएंगी कि इसमें और कौन लोग सम्मिलित हैं और कहाँ से शराब ये आ रही थी और कहाँ सप्लाई हो रहा था, कौन सप्लायर है, कौन खरीदार है और कहाँ ये वितरित होता है। इन सभी की जानकारी जो है प्राप्त करके इन पे आगे और कठोर विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित।